हेलो भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोग काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं ना सुबह में। हम लोग पहले सुबह में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास चला रहे थे, 10-12 दिन पहले से बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि टीचर बोर्ड ऐसा लेना था और इसमें सेटिंग वेटिंग कराने में समय चला गया। ठीक है, सुबह में समय नहीं मिल रहा था, तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्लास। इस बार क्या है आपके इस क्लास में, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के सभी महत्वपूर्ण त्रिभुज, सभी महत्वपूर्ण गेस क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव वाले। भाई साहब, अगर चैप्टर 1 में ये क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं ना तैयार कर लिए भैया, तो आपको फ्री हो जाना है, टेंशन मुक्त हो जाना है, इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो, हालांकि चैप्टर 1 में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो गेस क्वेश्चन है, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको इस साल आने की चांसेज है, वैसे क्वेश्चन में आप सभी लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं सभी से कहूंगा एक बार माँ सरस्वती का नाम लें और सभी लोग लिखें जय माँ सरस्वती। लिखिए सभी लोग, यार आप लोग लिखते नहीं हो, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती का नाम लेकर शुरुआत करते हैं आज की सुबह का, और संकल्प लेते हैं पूरे दिन तोड़ डालेंगे पूरे दिन, मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप मेरे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये शिखर बैच है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, कक्षा 11 में नहीं भी पढ़े, अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से, इसमें क्लासेज लाइव हो रही हैं, एक भी क्लासेज रिकॉर्डेड नहीं, पूरी क्लासेज लाइव हुई हैं। आप अभी तक किसी कोचिंग में जाके फंस चुके हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, अगस्त महीना आ गया है, अब कब पढ़ोगे बताओ? समय है अभी से भी, अपने आप को एक कमरे में बंद करो और शुरुआत करो पूरी तैयारी ताबड़तोड़, एकदम झक्कास वाली एक साइड से। देखो भाई, अगर आप सोचते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास हो तो जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने में ना खोपड़ी खत्म हो जाएगी, जब तक कि आप पूरे चैप्टर को कंसेप्ट के साथ में न पढ़े होंगे। अगर कंसेप्ट के साथ में पढ़े होंगे तो आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन है ये शिखर बैच, जहां पर आपके सभी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश बायो पूरे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेज चल रही है। क्लासेज के डेली क्लासेज होती है, डेली क्लासेज के साथ में लाइव डाउट क्लास भी होता है। अगर आपको कोई चीज न समझ में आए तो डाउट क्लास में पूछ सकते हो। क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है, पीडीएफ फॉर्म में आपको पीडीएफ के साथ में डीपीपी और असाइनमेंट्स होते हैं, जो कि गांव के बच्चों को कभी नहीं मिल पाता। डीपीपी मिल पाता है क्या? जहां पढ़ते हो तैसे पढ़ाते चले जाते हैं, क्या डीपीपी क्या असाइनमेंट्स, फिर वही आता है क्वेश्चन बैग, वही पढ़ के पास होते हो। अरे यार, स्टार्टिंग से मेहनत करो, स्टार्टिंग से यहाँ पे सब चीजें दी जा रही है। ऑनलाइन टेस्ट जो कि आपको बनाएगा सबसे बेस्ट सैटरडे, इसी सैटरडे को आपका पहला टेस्ट है। पहला टेस्ट का मतलब चैप्टर 1 का अपडेटेड। आ जाना सभी लोग, स्वागत है आपका अभी ज्वाइन करके। मेमोरी चार्ट आपको दिया जाता है ताकि जो भी चीजें पढ़े उसे लंबे समय तक याद रख सके, एग्जाम में जार बार बार भूलने की छपड़ा ना रहे। कंप्लीट सिलेबस थ्योरी प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में पूरा पढ़ाया जाएगा, शून्य से शिखर तक की तैयारी कराया जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे नंबर है 9305773375 पे कॉल करके जानकारी लेके ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी फीस लगेगी, बेहतर तैयारी कराई जाएगी। आप एक बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जा रहा है, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं ऑलरेडी स्टार मार्क लगा के छोड़ा हूं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली कोष से आप क्या समझते हैं, गुणों के आधार पर विभेद कीजिए। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। देखो, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसी स्लाइड पे क्वेश्चन का सोल्यूशन करके अच्छे से समझा दूंगा, कमेंट बॉक्स में कहना। अभी फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं? क्योंकि खुद से ट्राई करो यार, खुद से ट्राई करो एक बार, नहीं आएगा तो फिर हम जिंदाबाद है। चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लॉन्ग हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सबको कराऊंगा मैं इसी मॉर्निंग के क्लास में, टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तब तक, तो आप अगर कहोगे तो मैं सभी का क्वेश्चन का सोल्यूशन अलग से लेक्चर ला के बना दूंगा। अभी फिलहाल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस से आप क्या समझते हैं, गुणों के आधार पर क्या करना है, क्या करना है, विभेद करना है। अच्छा जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, क्रिस्टली ठोस क्या होता है, अक्रिस्टली ठोस क्या होता है। अच्छा, एक मैं फिगर बना रहा हूँ, चलो फिगर बना रहा हूँ, एक फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर बना रहा हूँ, ये फिगर बना रहा हूँ। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है आपसे, क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देना, फिगर देखकर जो जवाब दिया वही सिकंदर है।
वही तो जीतेगा भाई। इस फिगर में यह बताओ कौन सा क्रिस्टली ठोस का फिगर है, कौन से अक्रिस्टली ठोस का फिगर है? बताओ। देखो भाई मैं आपको बता दूं, जो क्रिस्टली ठोस होता है ना उसके जो अवयवी कण होते हैं ना वो निश्चित होते हैं, एक निश्चित परास में होते हैं, एक निश्चित परास में होते हैं, एक निश्चित, देखो भाई फिगर से समझ लो, निश्चित परास में होते हैं, निश्चित परास में होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, निश्चित व्यवस्था में होते हैं, जो यहाँ पे अवयवी कण है ना एक निश्चित व्यवस्था में है, एकदम व्यवस्थित रूप से सटे पटे खड़े हैं, जबकि अक्रिस्टली ठोस का यह एग्जाम्पल वह है, इसमें जो कण होते हैं ना एकदम भेड़ों की तरह होती है, कैसे भैया भेड़ों की तरह, अरे भेड़ देखे हो चलती है झुंड बना के कभी कभी रोड पे, देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे हो भेड़ ना, भेड़ों की तरह होती है, भेड़ों की तरह, भेड़ों की तरह होती है, भेड़ों का मतलब एकदम अझुंड बना के, मतलब इसमें जो अवयवी कण होते एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं, एक निश्चित व्यवस्था में, ये इसका परिभाषा होता है, क्रिस्टली ठोस में क्रिस्टल के अवयवी कण, कौन कौन भैया अवयवी कण, अवयवी अवयवी इसके अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, किसमें, क्रिस्टली ठोस में, जबकि अक्रिस्टली ठोस में अवयवी कण, अवयवी कण जो होते हैं अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में नहीं होते हैं, ये इसका डिफरेंस। अरे समझ में आया मैंने कितना अच्छा फिगर से कैसे कैसे समझा दिया, अरे खैर छोड़ो यार इसको रब कर दूं, रब कर दूं, चलो जा रहे तो रब कर दूं। हाँ एक चीज और है, क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस से आप क्या समझते हैं, समझा तो दिया, इसमें क्या होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में बढ़िया से खड़े होते हैं, इसमें भेड़ों की तरह होते हैं, एकदम भेड़ों की तरह झुंड बना के होते हैं, कोई कोई व्यवस्था नहीं होता। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है क्या, गुणों के आधार पे उसमें विभेद किया, यार तैयार कर लेना गुणों के आधार पर, नहीं होगा तो भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है मैं बता दूंगा आप लोगों, कहां गया क्वेश्चन, मैं बता दूंगा, मैं बता दूंगा, तो रब कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले रब कर दूं इसे, समझ में आया कि नहीं आया, ट्रिक से बताया, अरे बढ़िया से बता दूंगा पूरा क्वेश्चन, हो याद हो जाएगा लमका वाला, ठीक है टेंशन नहीं लेना है, अगर नहीं आया तो बस बता देना, अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है फिर मैं बता दूंगा ना, ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यह है, निम्न ठोसों के क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हो, ठोसों के क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हो, ठोसों के क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हो, निम्नलिखित के बारे में समझाइए, ठोसों के क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हो, निम्नलिखित के बारे में समझाइए, जिसमें पहला कौन सा है आपका, पहला कौन सा है, पहला है रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, नॉन स्टीरियोमेट्रिक दोष और अशुद्धता दोष, इसमें से कोई ना कोई पक्का पूछा, क्वेश्चन क्या है, ठोसों के क्रिस्टल दोष से आप क्या समझते हो, निम्नलिखित के बारे में समझाइए, रिक्तिका दोष, अंतरकाशी दोष, नॉन स्टीरियोमेट्रिक दोष, अशुद्धता दोष, भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, अच्छा क्वेश्चन है, दोष क्या होता भाई, मैं बता रहा हूं दोष क्या होता है, देखिए ये आप बैठे हो ना, ये आपका लाइन है, ये आपका लाइन है, मान लीजिए ये लड़कों का लाइन है, लड़कों का लाइन क्या हो गया लाल वाला, लड़कियां कैसी होती हैं, काली होती है, नहीं काली नहीं पीली होती है, पीली मान लेते, ये लड़कियों का लाइन है, कह दे रहा है पीला, अगर एक लड़का ये बंदा ना, ये बंदा जो है ना, अरे क्या हो गया ये बंदा, अरे चलो ठीक चलो जाने, मान लो ये बंदा जो है ये वाला बंदा, ये वाला बंदा यहां से उठकर जाके यहां पे बैठ जाए, मान लो यहां पे जाके बैठ,
तो ये बंदा को बैठना कहाँ था, यहाँ पे बैठना था, यहाँ से उठा और यहाँ पे बैठ गया। तो इसमें इस बंदे में क्या एक तरह से गुण दोष उत्पन्न हो गया ना भाई, लड़की के पास में जाके बैठ रहा है, बहुत से खतरनाक खतरनाक इसमें भी होंगे, तो भाई एक तरह से इसमें दोष उत्पन्न हो गया ना, इसी को कहते। ये यही काम अगर क्रिस्टल कर दे अपने जगह पे जहाँ पे बैठना था, जहाँ पे क्रिस्टल को रहना था, एक निश्चित व्यवस्था में रहना था, वहाँ पे न रहकर क्रिस्टल में कहीं पे चला जाए, जिस प्रकार के दोष उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टल दोष। अरे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यार, अगर आपको ना याद हो तो बताना, ठीक है, इस तरह से याद करा देंगे ना, टेंशन नहीं लेना। और साथ में अंतरकाशी दोष होता है, एक नॉन स्टोइकोमेट्री और अशुद्धता दोष, इन सभी के बारे में हम लोगों को याद करना है, पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए सभी, साठ की, अरे ये तो दम एकदम फाइव स्टार मार्क क्वेश्चन भाई, फाइव स्टार मार्क क्वेश्चन, कितना पांच हो गया, पांच स्टार। साठ की दोष तथा फ्रैकल दोष में अंतर, पता नहीं जमरवा पता नहीं क्या पाता है, बार बार पूछता है साठ की दोष एवं फ्रैकल दोष में अंतर। जमरवा को पता नहीं क्या मिलता है, बार बार जमरवा ये साठ की दोष और फ्रैकल दोष में अंतर पूछता रहता है, समझे। जमरवा को पता नहीं क्या मिलता है, ये बार बार पूछता है साठ की दोष तथा फ्रैकल दोष में अंतर क्या होता है, बहुत बार पूछता भाई, याद कर ले, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा वाला, चौथा, चारा क्वेश्चन में दिया हूं मैं, ठोस पदार्थ के चुंबकीय गुण से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए, जिसमें पहला क्या है अनुचुंबकीय है, दूसरा क्या है प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, फेरी चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। ये चार क्वेश्चन, पहला चैप्टर, टेंशन खत्म, बस इतना तैयार कर लेना आप, नहीं तैयार होगा बता देना मुझे, आपका भाई यहाँ पे खड़ा है, ट्रिक करके दिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चनवा देखिए, ट्रिक से बता रहा था ना, ये सब क्वेश्चनवा सब क्वेश्चनवा ट्रिक से हम करा देंगे। और जिसको भी भाई लास्ट में सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जिसको भी भाई बढ़िया से पढ़ना है, तैयारी अभी कुछ नहीं है, आ जाओ भाई शिखर बैच में, मेहनत करेंगे, मिलके आप करेंगे, बस मेहनत करना हो तभी आना, फालतू के लिए मत आना, मेहनत करना हो, अंदर दम हो मेहनत करने का, 10 घंटे बाद, क्योंकि देखो समय कम बचा है, 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ सकते तो मत आना, सीधी बात, और 10 घंटे 12 घंटे पढ़ सकते हो भाई देर मत करना, तुरंत आओ, स्वागत है, कोई खेलना कूदना वाला काम करना तो मत आना भाई, कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट में एक बार सभी को फिर से जय माँ सरस्वती, सभी लोग एक बार फिर से लिखें जय माँ सरस्वती, और एक बार कोशिश करें ये सभी क्वेश्चन जितना मैंने कराया सभी के सभी क्वेश्चन याद कर लें, बहुत फायदा करेगा आप लोगों के लिए, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। और ये जो बैच है ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे है, ठीक है, चलिए।